दुनिया भर में जियो एक्सप्रेस न्यूज के नाजरीन को अपने न्यूज कास्टर मुजीन हुसैन बिलाल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। खबर शामिल करते हैं जिला मंडी बाउदीन से, जहां कातिल वासु नाला ने चार बच्चों के बाप की जिंदगी भी निगल ली। 35 साल वहीद उर्फ नदीम लॉकडाउन की वजह से मोटर मैकेनिक का काम बंद होने की वजह से गरीब नदार अफराद को 20 रुपए का सालन रोटी देने वाले तंदूर पर काम करता था। 3 रोज कबल काम से रात को वापस घर जा रहा था, जैसे ही घर के करीब पहुंचा उसे मिर्गी का दौरा पड़ गया और वो बेकाबू होकर कातिल गंदे नाले में गिरकर जां बहक हो गया। उसके घर वाले गुज़िश्ता 2 रोज से वहीद की तलाश में मारे मारे फिरते रहे। गंदे नाले में लाश का हाथ देकर रेस्क्यू को इतला दी गई, जिसने मौके पर पहुंचकर लाश गंदे नाले से निकाल ली। शिनाख्त पर मालूम हुआ कि वहीद की ही लाश है। याद रहे कि इससे कबल 2 बच्चे वासु के गंदे नाले में डूबकर जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। बहुत से लोग इस नाले में गिरकर हादसात का शिकार हो चुके हैं। ये नाला इंसानी जिंदगियों के लिए मुसलसल खतरा बन चुका है। अहले इलाका ने शदीद एहतजाज करते हुए वजीर आला पंजाब से इसका नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन नवीद अफजल चरुडिया के साथ रिपोर्ट, मुजीन हुसैन बिलाल, जियो एक्सप्रेस न्यूज, मंडी बहाउद्दीन।